खबर उज्जैन जिले के तराना से। कायथा कॉलेज स्थानांतरण को लेकर NSUI ने सौंपा ज्ञापन। खबर तराना से, कॉलेज स्थानांतरण को लेकर NSUI ने सौंपा ज्ञापन। तराना कायथा कॉलेज स्थानांतरण करने के विरोध में बुधवार को NSUI के विधानसभा अध्यक्ष भरत गुज्जर एवं NSUI प्रदेश सह सचिव प्रदीप वाजपेयी के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेस जनों की उपस्थिति में मध्य प्रदेश की महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। NSUI ने ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की है कि किसी भी स्थिति में कॉलेज को स्थानांतरित नहीं किया जाए, और अगर कॉलेज को स्थानांतरित किया जाता है तो NSUI छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए उग्र आंदोलन करेगी। ज्ञापन प्रेषित करते समय कायथा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश शर्मा, NSUI विधानसभा अध्यक्ष भरत गुज्जर, अखिलेश जैन बंटी भैया, प्रदेश कांग्रेस सचिव संजय यादव, किसान कांग्रेस प्रदेश महामंत्री प्रकाश परमार, संतोष परिहार सहित छात्र नेता उपस्थित रहे। तराना से सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। NSUI के माध्यम से क्या विषय को लेकर दिया गया है और क्या मांगे हैं आपकी? सर, ये कायथा कॉलेज को जो यथावत मतलब 4-5 साल से यथाकित चल रहा है, इस कॉलेज को यहाँ से कहीं दूसरी जगह अन्य जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इस विषय में हमने माननीय राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है प्राचार्य महोदय को, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं पहले से ही 15 किलोमीटर दूरी से आते हैं, और यह कॉलेज अगर 15 किलोमीटर दूरी पर अगर स्थानांतरित किया जाएगा तो बच्चे 30 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, यथावत हमारी जो बहनें आएंगी उनको भी आने जाने में दिक्कत रहेगी। पहले ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सक्षम नहीं है, बेचारे पहले से ही परेशान हो रहे हैं, और सरकार उल्टा उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। इसके लिए हमने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, अगर मांगे नहीं मानी गई, अगर इस कॉलेज को फिर से भी इनने स्थानांतरण किया तो NSUI एवं समस्त संगठन रोड पर उतरेंगे, उग्र आंदोलन होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की रहेगी।